हाय दोस्तों, वेलकम टू ArtStop। आज हम बनाना सीखेंगे वाटर कलर विलेज पेंटिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस पेंटिंग को बनाने के लिए हमें चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांव का चित्र बना लेंगे। पेंटिंग में सबसे पहले हम शीट को गीला करते हैं क्योंकि वेट ऑन वेट काम करना है। अब मैं स्काई में अल्ट्रा मरीन ब्लू के साथ येलो और ग्रीन कलर की स्काई बना रही हूँ। पेड़ों में ग्रीन करूँगी। झोपड़ी पर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करेंगे। कूल एंड वार्म कलर के कॉम्बिनेशन से काम करेंगे ताकि उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो। जहाँ पेड़ों की शेडो है वहाँ डार्क कलर करेंगे। बस झोपड़ी पर डार्क कलर लगाते हुए हमेशा ख्याल रखना है कि डार्क कलर थोड़ा सा थिक होगा, इसमें पानी थोड़ा सा कम और कलर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नहीं तो कलर सूखने के बाद फीका हो जाएगा। आप कोई इफेक्ट नहीं दे पाएंगे उसमें जो आप देना चाहेंगे। जो पास के पेड़ हैं वो ब्लैकिश नज़र आते हैं तो मैं उन्हें ग्रीन ब्लू के साथ पर्पल में करूँगी। पत्तों में डार्क लगाएंगे। झोपड़ी की शेडो के लिए ब्लू और ब्राउन कलर करेंगे। अब मैं गाय को कलर करूंगी लाइट टू डार्क में। बारीक डिटेल्स के लिए बारीक ब्रश यूज कर रही हूँ मैं। छोटे छोटे बांस जो इसमें बहुत खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। पेड़ों में जहाँ डार्क की जरूरत है वहाँ डार्क दे देंगे। एक दो फिगर जो हमारी ड्राइंग में है उसे बना लेंगे हम। आखिर में एक मुर्गी बना लूंगी। सड़क पर कुछ साए। मुझे यकीन है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और नेक्स्ट पेंटिंग आप कौन सी देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।